सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आज मैं आप लोगों को हेयर ट्रीटमेंट का कुछ सिस्टम बताने वाली हूँ। तो पहले इस एलोवेरा को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, तो आपको बताते हैं कि हम इसका क्या करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बस जुड़े रहना होगा हमारे चैनल में, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, शिट, ये कट गया यहाँ से। कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कट कर लेते हैं। चाकू नहीं चल रहा है। सो तीन चार लीफ हमें लेनी है एलोवेरा की। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो गाइस, ये इतनी सारी लीफ मैंने ली है एलोवेरा की, ये आप देख सकते हो। गाइस, मैंने जो है एलोवेरा को काट कर लिया है एंड अब मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि इसका ये जो यहाँ का पदार्थ होता है ना गाइस, ये बहुत बेकार होता है। तो इसको हमें कट कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसको मैं पानी को निकाल दूँगी, अब वॉश हो गया है अच्छे से। एंड अब इसको हमें क्या करना है, कट करना है। तो चलिए अभी मैं इसको कटिंग करूँगी, तो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो एक बॉइल में अच्छे से या कोई भी बर्तन हो उसमें आप ले लेंगे अच्छे से एलोवेरा को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको लेना है। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। मैं इस बर्तन में अच्छे से कट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज हम, जैसे कि आपने टाइटल में देख के समझ लिया होगा, आज हम बहुत ही अच्छा बालों के लिए मास्क बना रहे हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और आपके बालों की जो है लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो आप इस तरीके का नेचुरल एलोवेरा लेंगे और अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, आपके बालों की जो रूसी है ना गाइस, वो भी बहुत कम हो जाएगी और आपके जो बाल हैं वो बढ़ने लगेंगे। अगर आपके बाल वाइट हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कर लेंगे हल्का सा। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो जेल है सारा निकाल लेंगे इस तरीके से। अगर आपके बालों पे रूसी है, थोड़ा सा ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो इससे घबराना नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये नेचुरल होता है, आपके बालों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। ओके फ्रेंड्स, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। तो आप एक बार इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना, ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप अगर, आपके बाल प्रेसिंग किए हुए बाल है ना गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट देगा, क्योंकि प्रेसिंग क्या करती है, हमारे बालों को डैमेज भी करती है, क्योंकि हीटिंग आती है उसमें, तो उस कारण हमारे बाल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप जब प्रेसिंग कराए अपने बालों पे, तो उसके बाद आपको अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके बाल डैमेज ना हो, इस कारण आपके बालों को केयर की ज़रूरत होती है। तो आप एक बार अपना जो बाल है एलोवेरा से ज़रूर वॉश कीजिएगा। ओके, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ओके, तो मैं आपको एलोवेरा के मतलब कई तरीके से यूज़ होता है ये, मैं आपको सभी तरीके इसके बता दूंगी, बस आप हमारे वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स, और अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, तो इस तरीके से जो है मैं अपने ये एलोवेरा जो है सभी निकाल लूँगी, इसमें कुछ नहीं हमने छोड़ना है। इस तरीके से इसको अच्छे से निकाल लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसको इस तरीके से पहले छील लेंगे अच्छे से, फिर इसको निकाल लेंगे एलोवेरा को। तो अगर आप मशीन में को निकालना चाहते हैं, मशीन से भी निकाल सकते हैं। ओके,
तो इसके छोटे छोटे से इस तरीके से हमें टुकड़े कर लेने। ओके फ्रेंड्स, ये तरीका है हमारा। इस तरीके से आप टुकड़े कर सकते हो एलोवेरा के। ओके, तो इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी। इस तरीके से हमें अपने हेयर कर लेने हैं पार्टीशन में। और ये जो एलोवेरा जेल है ना, आपको अपने बालों पे लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है, इस तरीके से जिस तरीके से हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरीके से। और आपके बाल जो है ना, शाइनिंग बहुत ज़्यादा आपके बालों में आ जाएगी गाइस। और ये मास्क की तरीके से आपके बालों पे काम करेगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप अपने बालों में हफ्ते में एक बार एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। और ये एलोवेरा जितना भी है सब निकल निकल के नीचे आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मशीन में अगर कर सकते हो तो प्लीज़ इसको मशीन में को एक बार निकाल लेंगे, क्योंकि मशीन में को निकालना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम एलोवेरा को जो है अच्छे से तरीके से ये कर लेंगे, फिर से इसको उस तरीके से मसल लेंगे एक बार। ओके, क्योंकि इसके अंदर जेल होता है ना, तो उसको मसल लेंगे चाकू की हेल्प से। ऐसे इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम अच्छे से इस तरीके से, इसके हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से। और आप एक हफ्ते में एक बार एलोवेरा जेल को अप्लाई करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये नेचुरल होता है, अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो मार्केट से ले सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि आपको नेचुरल एलोवेरा जेल ही मिल जाए। ओके, ये देखिए ये फिर से पिघल चुका है। और फिर से मैं इसको स्कैल्प पे लगाने की कोशिश करूँगी। बालों पे भी आप लगा सकते हैं और आप खुद ही देखेंगे रिजल्ट गाइस, कितना अच्छा शाइनिंग इसको इस्तेमाल करने से आ जाती है। इसकी अच्छे से मसाज करेंगे इस तरीके से। ओके, ऐसे हमें अच्छे से मसाज करनी है जेल से, पूरे स्कैल्प पे इतनी अच्छे से मसाज करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाले हो जाएंगे। तो थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है गाइस, गर्मियों में तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए, इस चीज़ के लिए सॉरी। और आप इस तरीके से अपने बालों को अच्छे से मसाज करेंगे अगर आप रिजल्ट अच्छे चाहते हैं। और आपको इसको क्या करना है, रात भर ऐसे ही लगा छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से मसाज करके पूरी नाइट आपको इस तरीके से छोड़ देना है बालों पे लगा के। और सुबह ही क्या करना है, आपको वॉश कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने बालों पे लगा हुआ छोड़ देंगे। ओके, इस तरीके से। और बाल ना बहुत ज़्यादा स्मूथ आपके होंगे, बहुत ही अच्छा शाइनिंग आपके बालों में आएगी। इस तरीके से आप अच्छे से मसाज करेंगे अपने बालों को। ओके, जितना अच्छे से मसाज करोगे ना गाइस, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर और बचा हुआ हो तो इस तरीके से हम सारा लगा लेंगे, बचना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से इसको निकालना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम सारा एलोवेरा जेल अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। तो देख सकते हो कितनी शाइनिंग बालों में आ जाती है इसके कारण। ओके, और आप इसको अब अच्छे से वॉश कर सकते हो बालों को। और ये आपके बाल अगर कर्ली हेयर है ना, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, मतलब स्ट्रेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। ओके, तो इस तरीके से हम अच्छे से मसाज करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी गाइस, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। और इस तरीके से मसाज करने के बाद आप सुबह तक के लिए इसको पोनी बना सकते हैं। ओके, पोनी ही बनाएं, बेस्ट रहेगा। अगर आप ओपन छोड़ेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप पोनी बना लेते हैं इस तरीके से जुड़ा बना लेते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखिए गाइस, मैंने अब इस तरीके से जुड़ा बना लिया है। और अब अपने हाथों को हम अच्छे से वॉश करके ऐसे सो जाएंगे। ओके, सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।